होस्ट टू एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नानचाकू के अपने बॉडी पे बाउंस क्यों करते हैं, यानी कि अपने नानचाकू से अपने बॉडी पे हिट क्यों करते हैं या नानचाकू अपने बॉडी पे टच क्यों करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम नानचाकू को अपने बॉडी पे टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये किस लिए करते हैं और ये क्यों करते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके फ़ायदे क्या है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो आपको नुकसान क्या हो सकता है और आपको सीखने में कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर न्यू भी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखिए, ये जो हम बाउंस करते हैं ना नानचाकू अपने बॉडी पे, तो किस लिए करते हैं, ये हम स्विम किए सामने तो हम इसको जो स्विम कर रहे हैं तो इसको हमको फिर से वापस ला के ओपोनेंट को हिट करना है। तो हम इसको अगर छोड़ दें इसी प्रकार से तो ये हमें जाके कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमें खुद को लगेगा या ओपोनेंट को बाय द चांस मिस हो जाता है। जब ओपोनेंट को हम हिट किए तो ये मिस हुआ, ओपोनेंट पीछे हट गया या साइड हट गया, तो हम यहाँ से मारकर और यहीं पे रोकते हैं तो क्या होगा, हमें खुद आकर नानचाकू लगेगा। इसीलिए हम नानचाकू फुल स्विम करते हैं, अपने बॉडी में लाकर कुछ इस प्रकार से इसको रोकते हैं। देखिए इस प्रकार से करने से आपको बिल्कुल ही चोट नहीं लगता है। जब हम इसको लाते हैं ना, जब अपने बॉडी में बाउंस करते हैं, ये जो बाउंस कर रहे हैं तो थोड़ा इसको अंदर की तरफ लाते हैं ताकि ये एनर्जी इस प्रकार से आते हुए आउटवर्ड बाहर की तरफ भी जाता है, उससे इसका स्पीड और मोशन बहुत ही स्लो हो जाता है और हमारे बॉडी में ये बाउंस कर लेता है और हमें चोट भी नहीं लगता है कुछ इस प्रकार से। ये जो हम बाउंस करते हैं तो हम ओपोनेंट को अपने नानचाकू डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी करते हैं। देखिए जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो हम ये मारें तो हमको फिर यहाँ से इसको रेडी पोजीशन में लाना है, तो इसलिए हम जस्ट बाउंस बाउंस एंड अप एंड हिट, जस्ट बाउंस अप एंड हिट, जस्ट बाउंस एंड अप यहाँ स्विम एंड हिट, इस प्रकार से बाउंस किया जाता है। अगर आप बाउंस करेंगे तो स्पीड को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और नानचाकू से आपको चोट लगने का संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो हम इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।